जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उस केमिकल प्रॉपर्टी में एक टॉपिक ये है कि आइसोट्रॉपिक लेबलिंग क्या चीज है। तो आइसोट्रॉपिक लेबलिंग क्या होती है एग्जैक्टली? क्या होता है कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी टू एच फाइव ओ एच इथेनोल, अगर इसकी रिएक्शन एच पॉजिटिव में की जाए तो हमारे पास क्या है कि ये एस्टर बन जाता है और साथ में ये वाटर। अब ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमें ये नहीं पता चलता कि ये वाला जो वाटर है ये एच और ओ एच, एच इसका और ओ एच इसका, दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, कि जब ये ऐसा है कि जब एच इसका है और ओ एच इसका है। एग्जैक्टली के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंक्लूड दैट कि अगर ये वाला एस्टिक जो रिएक्शन हो रही है इसका एच एस्टिक एसिड का एच और इथेनोल का ओ एच कंबाइन करके ये वाटर बन रहा है, कि जहां ओ एच इसका और एच इसका आपस में वाटर बना रहे हैं। अब इस इल्यूजन को सॉल्व किया था, अगर हम उस मैकेनिज्म को स्टडी करें तो अगर हमने इस ऑक्सीजन मैकेनिज्म स्टडी करते हैं और हमने क्या किया कि अब ये वाली ऑक्सीजन को 18 लिख दिया, 18 का मतलब यह है कि आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, अगर हम इसको आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे तो अगर आइसोटोप रिप्लेस करने से ये वाली इथेनोल जो है वो आइसोटोपिक इथेनोल है। अब ये आइसोटोपिक इथेनोल अगर एस्टिक एसिड के साथ कंबाइन करती है और जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर यहां पे आइसोटोपिक एस्टर आ जाता है, दैट मींस से कि ये जो इथेनोल है, ये इथेनोल है उसका एच ही उतरा था, उसने यहां से एच जो है प्रोटोन दिया और एस्टिक एसिड का यहां से ओ एच उतरेगा, क्योंकि जो एस्टर फॉर्मेशन हो रही है उसके बीच में ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन आ रही है, से इसका एच और इसका ओ एच आपस में कंबाइन करेंगे और फिर वाटर बनेगा। तो दिस इज द मेन एप्लीकेशन के हम आइसोट्रॉपिक लेबलिंग इसीलिए करते हैं कि सो दैट हमें पता चल सके कि ये जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे किसका एच और किसका ओ एच आपस में कंबाइन करके हमें एस्टर मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द आइसोट्रॉपिक लेबलिंग। लेट्स सी कि जैसे हम इसका मैकेनिज्म पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O के साथ H। यू नो दैट यहां से सबसे पहले इसके ऊपर क्या अटैक करवाते हैं हम H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव जो है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोन पेयर बड़े हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर बड़े हैं। अब ये प्रोटोन जो है वो इस लोन पेयर को अप्रोच करे या इस लोन पेयर को अप्रोच करे, अगर तो वो इस वाले को लोन पेयर को, अगर ये वाले लोन पेयर इसको अप्रोच करते हैं तो देयरफॉर ये एच पॉजिटिव इसके साथ लग जाएगा। तो जब इसके साथ लगेगा तो फिर क्या बनाएगा, सी एच थ्री यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ के साथ एच है, यहाँ पे ओ एच है और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर तो ये एच पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ लगे तो ये कंडीशन आ जाती है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा कौन सा है, पाई। तो हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, पाई। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो इजी है। लेकिन अगर ये एच पॉजिटिव कहीं यहाँ पे अटैक कर देता और यहाँ पे अटैक करने से ये बन जाता कि यहाँ पे ओ एच टू और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर ये बॉन्ड सिग्मा ब्रेक करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वैसे भी एनर्जी ज्यादा चाहिए। सो दैट्स व्हाई कि ये जो एच पॉजिटिव आयन है वो इसके ऊपर ही, इसके लोन पे के ऊपर जो है वो इसके अटैक करेंगे। अब जब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ जो है वो डोनेट किए जाएंगे और ऑक्सीजन अपनी जो है इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगी बॉन्ड पे के। तो देयरफॉर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे COH है, ये OH है, तो दिस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये जो है हमारा जो है पहला स्टेप है।
अब हमने क्या किया, दूसरा स्टेप देखिए, CH3C डबल, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब हमने इसके ऊपर जो साथ में आइसोटॉपिक जो है C2H5OH, जो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है उसकी एडिशन करनी है। अब आइसोटॉपिक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है ही है, तो अब ये जो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन अगर यहाँ पे अटैक कर दी है तो देखें उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, CH3 यहाँ पे है, यहाँ OH है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे OC2H5 और साथ में यहाँ पे H है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन कौन सी है आइसोटॉपिक। अब इसका ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये वाले हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ डोनेट करेगा, तो जब ये इसकी तरफ डोनेट करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे OH है, ये भी OH है और यहाँ पे OC2H5 आएगा और ये ऑक्सीजन आप कौन सी है आइसोट्रॉपिक ऑक्सीजन है। जब ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, जब ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा वो कहीं और नहीं, वो OH पॉजिटिव जहां तो इस ऑक्सीजन इसके ऊपर ये वाले जो दो लोन पेयर है इसके ऊपर जा सकता है या इन पे ऊपर जा सकता है, दोनों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर वो एच पॉजिटिव इसके बाहर चला जाए तो फिर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा OH2 और ऑक्सीजन के ऊपर फिर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये वाला एच पॉजिटिव जो है अगर ये इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फिर एच पॉजिटिव जो है वो आगे यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से वही चीज है कि बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये बन जाएगा CH3O, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है OC2H5, तो ये वैसे इसी में क्लियर हो जाता था, ये दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो देयरफॉर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C2H5 और जो H पॉजिटिव जो है वो हमने ये वाला H पॉजिटिव जो है वो हमने वैसे भी एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन विल कम आउट एज सच। और यहाँ पे देखें ये वाली ऑक्सीजन आइसोट्रॉपिक चल रही है, ये वाली ऑक्सीजन आइसोट्रॉपिक चल रही है, तो इस मैकेनिज्म से हमें ये पता चलता है कि जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि जब एस्टर बनेगा तो कौन सा एच और कौन सा OH उतरेगा, तो इस मैकेनिज्म से पता चलता है कि इथेनॉल का जो है एच उतरेगा और एस्टिक एसिड का OH एंड रिजल्टिंग इनटू दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक लेबलिंग, तो उसके साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है अल्कोहल की रिएक्शन जो है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद दी एसिड क्लोराइड, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं, CH3COCl, दिस इज कॉल्ड एसीटोनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। और इसके बीच में अगर हम अल्कोहल डालें तो सपोज हम इथेनॉल डालते हैं तो ये रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, CH3 यहाँ पे CO यहाँ पे OC2H5 और साथ में HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसके लिए भी जो मैकेनिज्म देखें क्या है, तो मैकेनिज्म में देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये सी है जिसका नाम क्या है एसिड क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड। अब इसके बीच में हम क्या डालते हैं C2H5OH और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये वाले जो ये इथेनॉल एक न्यूट्रल न्यूक्लोफाइल है,
उसका ये लोन पे जो है यहाँ पे आके इस कार्बन को अप्रोच करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो देयरफॉर वी विल गेट CH3 यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे Cl, यहाँ पे O के साथ यहाँ पे C2H5 है और साथ में H आया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब होता क्या है कि दिस वन दिस Cl इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। अगर ये Cl बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी तो अपने साथ में Cl नेगेटिव चला जाएगा तो फिर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये वाले जो है नेगेटिव जो चार्ज इधर आएंगे तो यहाँ पे और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और साइमल्टेनियसली अगर मैं इसी स्टेप को इसी में साथ कर दूं कि बींग एंड दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर नहीं करती तो ये यहां से ही इसके साथ वापस चला जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल था तो अब ये डबल हो गया और यहाँ पे साथ में O ये वाला और C2H5 वो बन जाएगा। अब देखें ये H पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है तो दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया? HCl। सो दिस इज द मैकेनिज्म विद द एसिड क्लोराइड। दैट मीन टू से कि जो अल्कोहल है वो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाती है बाय दिस वे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्लीवेज किसकी हो रही थी? OH की। अब यहां पे COH की क्लीवेज होगी। हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर जो है क्लीवेज ऑफ जो है COH की होगी। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with halogen acids that is called hydrogen halide, that is hydrogen halide। अब ये hydrogen halide किसको बोलते हैं? HCl, HBr और HF, इनके साथ अगर रिएक्शन हो जाए तो हम उसके साथ जो है ये रिएक्शन पढ़ेंगे in which the reaction involving the cleavage of the COH bond। इसके साथ हम किसकी क्लीवेज पढ़ेंगे कि ये COH बॉन्ड जो है वो अब क्लीवेज होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे OH है, यहाँ पे इथेनॉल, अब इसके बीच में सपोज मैंने HCl डाल दिया तो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल बी हियर। तो अगर सबसे पहले देखें इस मैकेनिज्म में क्या है कि जो HCl है वो डिसोशिएट होकर क्या देगा? H पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव, ये देखा। अब अगर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया है तो फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा कि CH3, CH2 एंड हियर इज OH, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या पड़े हैं? लोन पेयर। और वो लोन पेयर जो है वो ये एसिड का H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे ऐड करेंगे हम तो लोन पेयर इस एसिड को अप्रोच करेंगे तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, CH2, O के साथ H है और ये इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है देयरफॉर जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव तो ये इसको डोनेट करेगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दैट मीन टू से कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे? क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। यहाँ पे क्लीवेज ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं दिस इज द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो OH था और ये C, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करे ना ये वाला बॉन्ड तो ये बॉन्ड किसका है? COH का। सो दिस इज द क्लीवेज ऑफ द C एंड OH बॉन्ड।
तो रिजल्टिंग इन टू वी गेट दी सी ए थ्री सी एच टू। इसके साथ क्या हो जाएगा कि साथ में सॉरी इसमें सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू और सी एल प्रोडक्ट था सॉरी। इसके बाद में क्या हम बनाएंगे यहाँ पे सी एल नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर डैक करेगा, तो देयर फोर वी विल गेट सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एल। दिस इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। तो ये इथाइल क्लोराइड जो है प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी वो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे ये लिखना था सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एल। तो वाई दी दिस इज द मैकेनिज्म दैट फॉर्मिंग विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ द सी ओ एच बॉन्ड। इसके बाद कुछ और एक्शन भी दे रखे हैं लाइक नेक्स्ट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द ओ एच बॉन्ड लाइक दिस इज द सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू एंड हेयर इज ओएच। अब इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द थ्री मिथाइल प्रोपेनोल। अब थ्री मिथाइल प्रोपेनोल के बीच के अंदर अगर हम एच सी एल डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट कि वो क्या होगा। अब इसके मैकेनिज्म में भी हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एच सी एल है, तो एच सी एल डिसोसिएट करके क्या देता है, एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव, ये पहले स्टेप में है। तो उसके बाद क्या होगा सेकंड स्टेप में कि ये सी एच थ्री ये सी एच है ये सी एच थ्री यहाँ पे सी एच टू यहाँ पे ओ एच यहाँ पे लोन पेयर है और जो एसिड से ये प्रोटोन जो है वो इस लोन पेयर को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ये देखे ये लोन पेयर जो जब इसको अप्रोच करेंगे तो देयरफॉर वी विल गेट सी एच थ्री सी एच यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे सी एच टू एंड हियर इज ओ के साथ एच है यहाँ पे एच है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, यानी कि ये अगर एच पॉजिटिव जो है इसके साथ आ जाएगा तो मीन से जब ये वाले लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे अपने, तो दैट मीन से जब वो बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम। बट म्यूचुअल शेयरिंग तो उसको कहते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही डोनेट कर रहा है, दैट मीन से ये वाला जो यहाँ पे सिचुएशन है ये और ये बॉन्ड कौन सा होगा, डेटिव। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डिस्कशन करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर इस बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट क्वाइट द पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये यहां से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर सी एच थ्री यहाँ पे सी एच ये वाला सी एच थ्री एंड यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये सी एल जो है वो सी एल यहाँ पे अटैक कर सकती है और यहाँ पे सी एल नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सी एच टू के जो है पॉजिटिव चार्ज है वो कंबाइन कर सकते हैं। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज वेरी लेस बिकॉज देयर इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हियर, बिकॉज अगर यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाली कार्बन जो है वो कौन सी है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर ये वाली जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसका ये वाला एच जो था ये वाला एच उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये अभी ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही है, तो जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई है इसके साथ, तो देयरफॉर इसको हम कहते हैं प्राइमरी। अब मैं क्या करूंगा कि अगर इस वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट करा के मैं यहाँ पे ले जाऊं तो दैट मीन से वो हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, जब वो साथ लेके जाएगा तो देयरफॉर ये सी एच टू क्या बन जाएगा आपका सी एच थ्री, तो ये बन गया जी यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे भी सी एच थ्री। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी कार्बन एटम के साथ जुड़ी हुई है, थ्री, यहाँ पे देखिए वन टू एंड थ्री, तो जिस थ्री के साथ जुड़ी है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन।
अब ये कौन सी कार्बोकेटायन है? टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो हम ये पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दिस प्राइमरी। तो जब ये टर्शियरी है तो दिस इज मोर स्टेबल, इसीलिए हम ये रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर अब हम सीएल डालेंगे जो ये वाले स्टेप में था। तो देयर फोर वी विल गेट सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री एंड यहाँ पे सी एल। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द हाइड्रोजन हैलाइड जिसे हम कह रहे हैं। तो और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी आता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल। इसके बाद जो है कुछ और एक्शन दे रखी हैं। व्हाट आर दैट? सी है दैट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड PCl3। तो दिस इज कॉल्ड फास्फोरस हैलाइड। अब अगर मैं इसकी बात करूं ROH की, तो इसके साथ जो है जब PCl3 अटैक करेगा तो देयर फोर वी विल गेट हेयर RCl एंड वी विल गेट हेयर दिस इज RCl एंड दिस इज द अल्कोहल एंड अल्कोहल जो है वो RCl बनाएगा एंड साथ में क्या बनेगा HOP एंड Cl2। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट हियर। अब इसके लिए जो मैकेनिज्म क्या है, अब यहां पे देखें ROH दिस वन इज हियर। अब इसके साथ जो है PCl3 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। तो देयरफॉर फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देयरफॉर ये लोन पेयर जो है वो इसको अप्रोच करेंगे। तो देयर आफ्टर वी विल गेट हियर दिस इज R, यहाँ पे O के साथ H आ जाएगा एंड यहाँ पे है P, इसके साथ यहाँ पे Cl है और ये भी Cl है एंड दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब ये जो Cl बाहर निकली है तो यहाँ पे ये है Cl नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये वाला जो है जिस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस के हाइड्रोजन विद्रा कर ये वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विद्रा करेगी। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज ROP, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है और साथ में एच पॉजिटिव निकलेगा। वो एच पॉजिटिव जो है Cl के साथ कंबाइन कर सकता है और HCl बन जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, अगेन जो हमारे पास ये है कि ये जो ऑक्सीजन की एक R जो है अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, तो कार्बन की ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। तो R के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देयरफॉर अगर R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो है R ये वाला, तो ये बन जाएगा यहाँ पे R पॉजिटिव और साथ में क्या बन गया यहाँ पे O नेगेटिव एंड E यहाँ पे Cl, ये भी Cl है। अब हमें जो पहले स्टेप थे उसमें देखिए यहाँ पे Cl बना था और H पॉजिटिव बना था जिसे हम HCl कह रहे हैं, और वो HCl में से जो Cl नेगेटिव है वो R के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये बन जाएगा RCl और ये H पॉजिटिव तो यहाँ पे बना था तो इस नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो देयरफॉर जब H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा OH PCl2। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द फास्फोरस हैलाइड। तो दिस इज द फास्फोरस हैलाइड एंड देयर मैकेनिज्म। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन ऑफ द
अल्कोहल विद थायोनाइल थायरल क्लोराइड। अब ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसी होगी? अब यहाँ पे अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3CH2 यहाँ पे OH, और इसके साथ SOCl2 रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसको हम बाय द वे मैकेनिज्म के साथ ही स्टडी करते हैं। तो लेट्स सी कि अगर ये मैकेनिज्म है तो वो कैसे है। यहाँ पे CH3CH2 यहाँ पे OH है और SO और ये Cl जो है 2, उसको ऐसे ले लेते हैं। अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस सल्फर, तो ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो देयरफॉर सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट है वो सल्फर को करेगी, तो आफ्टर दैट वी विल गेट हियर CH3CH2, हियर इज O के साथ H लग जाएगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे Cl है और साथ में क्या निकल गया Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो है अपने ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर दिया है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब बीइंग इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट गेट द पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे वापस चले जाएंगे, ये यानी मीन टू से हाइड्रोजन जो है वो अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और एच पॉजिटिव जो है बाहर निकल जाएगा, वो एच पॉजिटिव सीएल के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा, तो उसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास CH3CH2 यहाँ पे O S डबल बॉन्ड O और ये Cl, तो ये बन गया। इसके बाद क्या होगा कि दोबारा से क्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ये बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो देयर फोर ये जब यहाँ से निकल तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, तो ये इसका पॉजिटिव जो है वो ये Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो वी विल गेट CH3CH2NCl, यानी कि ये CH3CH2 ये है और ये Cl नेगेटिव जो है जो अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके गया था, तो यहाँ पे ये Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कंबाइन करके CH3CH2Cl बनाएंगे, और साथ में ये क्या बन जाएगा SO2, यानी कि SO2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस S डबल बॉन्ड O एंड S डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड द थायोनाइल क्लोराइड, तो उसके साथ ये वाली जो रिएक्शन है वो गिवन है। इसके बाद जो है कुछ और रिएक्शंस है गिवन, तो नेक्स्ट जो आ जाता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CH and OH bond. अब दोनों की क्लीवेज होगी इसके साथ, तो इसमें क्या आ जाता है, तो इस विकेट अंदर जो रिएक्शन दे रखी है दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दे रखी है, इट्स वेरी गुड एग्जांपल, दैट इज CH3CH2 and OH, इसके बीच के अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वी विल गेट CH2 double bond CH2, तो एंड साथ में क्या है वाटर निकल जाता है, दिस का डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल, सो दिस इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ दिस COH एंड OH बॉन्ड। तो मैकेनिज्म कैसे है, यू नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 वो ब्रेक करके क्या देगा H पॉजिटिव एंड हियर HSO4 नेगेटिव, ये देगा, उसके बाद ये पहले स्टेप में तो ये आ जाएगा, दूसरे स्टेप में क्या है कि ये CH3 यहाँ पे CH2 ये O के साथ यहाँ पे H है, अब ये क्या होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटोन निकला है तो ये लोन पेयर इस प्रोटोन को अप्रोच करेंगे, तो देयर फोर वी विल गेट हियर CH3 CH2 हियर इज OH है,
दिस ऑप्शन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब उसका पॉजिटिव जब खत्म करने के लिए ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 एंड CH2 एंड साथ में जो है वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। डायमंड से एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे एक क्लीवेज तो हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे कि ये जो CH3 था ये वाला CH3 है तो CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस एच को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये जो CH3 है उसको हमने इस तरह से लिख लिया। तो अब इसका पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा तो देयरफॉर वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड विद लॉस ऑफ एच पॉजिटिव। तो ये एच पॉजिटिव जो वैसे भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दैट विल कम एज सच एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगी। सो दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH एंड OH बॉन्ड। सो दिस इज द नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसके अंदर कुछ और दे रखी है। यस दिस इज ओरिएंटेशन ऑफ द डिहाइड्रेशन। एक इसमें नेक्स्ट स्टेप में दे रखे हैं व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। दैट इज व्हाट इज दैट orientation in dehydration, ये हमारा जो next topic है orientation in the dehydration। अब इसमें क्या होता है कि for example हमारे पास ये reactant है CH3 और CH2 है, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CH3 और वाई द वे अगर ये इसके बीच में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है डालते हैं तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज देयर CH3 एंड सेकेंड इज CH3 एंड यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% है और इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% है। यू नो दैट मोस्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो होती हैं कि जब अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम सब्स्टिट्यूशन हो। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के क्रॉस इस तरफ भी उतनी ही सब्स्टिट्यूशन है और इस तरफ भी उतनी सब्स्टिट्यूशन है एंड दिस इज द स्टेबल। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल किंग इज देयर। तो जो अनसिमेट्रिकल किंग कह सकते हैं तो देयर फोर ये जो है 10% इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसकी कितनी है 90%। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं स्टडी करके। तो दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट ब्रेक डाउन द एच पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप हियर एंड सेकेंड स्टेप में क्या है कि CH3 ये CH2 ये CH यहाँ पे OH है यहाँ पे CH3। तो ये वाला जो प्रोटोन जो सल्फ्यूरिक एसिड से निकलेगा तो यहाँ पे देखें इस OH के पास यहाँ पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर जो है पहले इस प्रोटोन को अप्रोच करेंगे तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3 CH2 CH हियर इज OH2 एंड यहाँ पे CH3 लग गया। दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि ये इसने अपने लोन पेयर जो है इसको डोनेट कर दिया तो देयरफॉर ये OH2 बन गया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। सो देयरफॉर बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो देयरफॉर आफ्टर दैट वी विल गेट CH3 CH2 CH CH3 इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये हमारा जो है अभी मैंने थर्ड स्टेप को डिस्कस किया, सेकंड स्टेप को डिस्कस किया, अब हमारे पास जो है थर्ड स्टेप रहेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या है CH3 CH एंड यहां पे CH है ये CH3
और अगर ये वाला जो सी एच टू है, यहाँ पे देखिए ये सी एच टू जो है, इस सी एच टू का एक एच जो है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस वाले सी एच टू को मैंने इस तरह से ऐसे लिख लिया। तो अब क्या है कि इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये वाला एच यहाँ पे चला जाए, तो उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच डबल वन सी एच एन सी एच थ्री, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो 90% प्रोबेबिलिटी इसकी ही है। अब जो दूसरी प्रोबेबिलिटी रहती है वो क्या है कि अगर ये वाला सी एच टू जो था उस वाले को मैं इस पूरे स्टेप को दोबारा यहां पे लिखने लगा हूं कि सी एच थ्री, ये तो सी एच टू ही है, ये सी एच और इस सी एच टू और ये सी, यहां पे ये जो सी एच थ्री था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, दिस वन इट इज द विजिबल हियर दिस वन, तो यहां पे देखें इसके ऊपर ये वाला जो सी एच थ्री था उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कर दे, तो देयर फोर जो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो क्या बनेगा, सी एच थ्री, ये सी एच टू, ये सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे इस ये वाला जो है वो यही प्रोडक्ट है जो 10% मैंने बताया था, तो दैट मीन टू से ये वाला जो है प्रोडक्ट 10% है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 90%। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन इन द डिहाइड्रेशन, सो दिस इज द ओरिएंटेशन इन द डिहाइड्रेशन। एंड सिमिलरली कुछ और केस भी दे रखे हैं ओरिएंटेशन इन द डिहाइड्रेशन में, लेट्स सी हियर इज द सी एच थ्री, हियर इज ओ एच एंड सी एच थ्री, एंड इफ वी ऐड द सल्फ्यूरिक एसिड हियर एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो इसमें भी हम जो है पॉसिबिलिटी बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, कैसी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो लेट्स सी कि ये मैकेनिज्म कैसी है इसका, लेट्स सी कि पहले तो हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड की ही बात करें तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एच पॉजिटिव और एच एस ओ फोर नेगेटिव देता है। अब किसको, ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप को देखें, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच है, ये वाला रिएक्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस रिएक्टेंट के ऊपर यहाँ पे एच पॉजिटिव जो है ऐड करेंगे, तो यहाँ इस ओ एच के पास लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेंगे, तो जब इसको डोनेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री है, ये भी सी एच थ्री है, एंड यहाँ पे सी एच, यहाँ पे ओ एच टू और यहाँ पे सी एच थ्री पॉजिटिव। अब इसके ऊपर जाकर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो देयर फोर ये अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, तो देयर फोर वी विल गेट हियर सी एच थ्री, सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, सी एच एंड सी एच थ्री, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ यहाँ पे अगर सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर भी यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनेंगी कि इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए या तो ये वाला जो सी एच थ्री था उसको मैं इस तरह से लिख लूं और ये यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो वी विल गेट हियर सी एच थ्री, सी एच थ्री एंड हियर इज द सी एच थ्री एंड यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये बन जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराएं, ये मिथाइल यहाँ पे आ जाए एंड आफ्टर दैट जो है उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इसमें
नाउ दिस इज मिथाइल शिफ्ट इज देयर एंड आफ्टर दैट जब मिथाइल शिफ्ट होगी तो सी दैट हियर कि ये वाला जो मिथाइल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो देयर फोर वी विल गेट हियर सी एच थ्री यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे सी यहाँ पे भी सी एच थ्री ऊपर आ गया इसके साथ एक एच है ये तो सी एच थ्री बन गया ये वाला तो पहले सी एच थ्री था वो तो मैंने इस स्टेप को लेने के लिए मैंने ये एच सी एच थ्री इस तरह से लिखा था अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव तो देयर फोर ये वाला हाइड्रोजन जो है अब वो यहाँ पे चला जाएगा तो एच पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा तो वी विल गेट सी एच थ्री एंड हियर इज द सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच थ्री एंड सी एच थ्री सो दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिएंटेशन इन टू द जो टॉपिक चल रहा था हमारा ओरिएंटेशन इन द dehydration so this is the orientation in the dehydration so that's all from this and iske baad jo hai kuch aur action de rakhi hai so what are the attractions Some of that oxidation reaction जो alcohol की ले रखी है what are that oxidation reaction of alcohol तो सबसे पहले अगर oxidation reaction alcohol की बात करें तो CH3CH2OH ethanol की अगर बात करें ethanol की अंदर oxidation करेंगे तो we will get here acetaldehyde इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है एसिटिक एसिड ये जो यहाँ पे एरो के ऊपर ओ डाला है दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन वो पार्शियल ऑक्सीडेशन किसके साथ होती है Ca2Cr2O7 एंड H2SO4 दिस इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन सो विद द हेल्प ऑफ दैट जो है अल्कोहल की जो है ऑक्सीडेशन की जा सकती है इसके बाद जो है कुछ और एक्शन ले रखी है इसे क्या हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल अब ऑक्सीडेशन जो है सेकेंडरी अल्कोहल की बढ़ेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या है CH3CH CH3 एंड हियर इज OH तो इसकी ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है एसीटोन तो वी विल गेट हियर एसीटोन तो देयरफॉर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो है एसीटोन मिल जाएगा तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन से जो है इसकी ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो देयरफॉर वी विल गेट हियर एसिटिक एसिड और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है सो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल एंड देयर ऑक्सीडेशन से हमें एसीटोन मिल जाता है एसीटोन एंड फर्दर अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू गिव द एसिटिक एसिड अब टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या होती है टर्शियरी अल्कोहल की उस केस में क्या है CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH तो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें एसीटोन मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O This is called the oxidation of the tertiary alcohol. And जो है कुछ और एक्शन दे रखे हैं लाइक एक्शन ऑफ द रेड हॉट कॉपर क्या है तो उसके साथ रिडक्शन हो जाएगी सो दैट इज कुछ और टॉपिक्स में वो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलो डिस्कस कर लेंगे दैट इज एक्शन ऑफ द हॉट एक्शन ऑफ हॉट रिड्यूस कॉपर प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर क्या एक्शन है सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर क्या है एंड टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर क्या है तो बाकी हम डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू